एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज अंबर वंस अगेन. गाड़ी से ही मैं आपको वेलकम कर रही हूँ. और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. सबसे पहले तो ये बता दूं, आज हम जा रहे हैं लाहौर की द मोस्ट पॉपुलर मार्केट, लिबर्टी मार्केट. और अगेन हमारा प्लान यही है कि लिबर्टी में हमने ये देखना है कि विंटर फैब्रिक कैसा आया हुआ है, और साथ ही साथ लिबर्टी में जो स्टॉल्स लगे होते हैं, जिन स्टॉल्स पर हमें जो है वो बहुत सा मज़ेदार किस्म के कोट्स एंड जैकेट्स एंड स्वेटर्स और इस तरह की चीज़ें मिल रही होती हैं, तो वो वैरायटी लिबर्टी में कैसी है. सो लेट्स गो विद मी एंड चेक देम आउट. पीछे गाड़ी वाले अंकल जो है ना हॉर्न दे रहे हैं. ओके, ऑल राइट जी. सो लिबर्टी पहुँचते ही हमने प्लान किया कि पहले हम दुपट्टा गली को विजिट करें, ताकि दुपट्टा गली में देखा जाए कि वहाँ पर अब इस चेंजिंग वेदर के बाद क्या एक्सक्लूसिव आया है. सो कम ऑन एंड लेट्स गो विद मी. सो जी, ये है वो टिपिकल शॉप जिसको मैं हमेशा विजिट करती हूँ. इनके पास ब्लॉक प्रिंटेड कपड़े तो हमेशा से ही होते हैं, बट दिस टाइम मुझे ये हैंड पेंटेड दुपट्टे और हैंड पेंटेड सूट्स भी यहाँ पर नज़र आए. सो आई थॉट टू गो एंड चेक इट आउट. और साथ ही साथ यहाँ पर पहले जो एम्ब्रॉयडरी वाला काम हमें कॉटन पर नज़र आता है, अब सिल्क और शिफॉन पे भी नज़र आ रहा था, और उसमें भी बहुत सी वैरायटी थी. तो मैंने सोचा कि मैं ख़ुद भी अंदर जा कर देखती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ. सो दीज आर दोज हैंड पेंटेड सूट्स जिनका मैंने सोचा कि मैं चेक करती हूँ कि कैसे लगते हैं. ये टू पीस सूट हैं, ये शिफॉन पर भी अवेलेबल हैं और साथ ही साथ सिल्क पर भी अवेलेबल हैं. ये इसमें बहुत सारे कलर्स थे, तो मैंने सोचा कि डिफरेंट डिज़ाइंस निकलवा के चेक करूँ. हर डिज़ाइन दूसरे से मुख्तलिफ है, क्योंकि डेफिनेटली ये हैंड पेंटेड है. नंबर भी मैं आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ. ये वैसे तो 5500 में टू पीस सूट था, लेकिन मेरे रेफरेंस से जाएंगे तो ये आपको 4500 में मिल जाएगा. ये है, अच्छा ये कितने की है? 55 का है, लेकिन 55. मैं आपको 45 का दूंगा ये वाला. अच्छा ये वाला 45 का मिलेगा, और ये जो है सिल्क वाला ये भी 45 का मिलेगा. ओके, शर्ट दुपट्टा. सो जी, ये इसमें बहुत से कलर्स थे और फैब्रिक भी बहुत अच्छा था. अच्छी क्वालिटी के शिफॉन इन्होंने यूज़ की हुई है. तो अगर आप लोग ये लेना चाहते हैं तो आप इनसे ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं और आप जाके परचेज भी कर सकते हैं. सो मैंने तो ये आपको दिखा दिए, साथ ही ऑब्वियसली जो मेरी पसंद के ड्रेसेस हैं वो भी मैंने सोचा कि देखो और उनकी प्राइसेस भी रीचेक करूं कि शिफॉन पे किस तरह से इन्होंने जो एम्ब्रॉयडरी वाले सूट्स थे वो लॉन्च किए हुए थे. ये पहले कॉटन वाली भी वैरायटी इनके पास अवेलेबल है, जो कि 3500 का टू पीस सूट है, लेकिन अब यही क्वालिटी इन्होंने शिफॉन में निकाल दी है, और ये शिफॉन में आपको 4500 रुपीस का टू पीस सूट बहुत ही खूबसूरत वैरायटी में बहुत से बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में मिल जाएगा. ऑल राइट जी, सो इनके पास ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है, और साथ ही साथ इसमें डिफरेंट क्वालिटीज भी हैं. सो ये तारकशी वाला है. तारकशी वाला जो आपको शिफॉन का ड्रेस है, ये आपको मिल जाएगा 5500 रुपीस में. एंड यस, आप इनकी बहुत सारी वैरायटी को देख सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं. देन इसमें मुकेश वाले भी अवेलेबल थे, और इसकी प्राइस थी 6500 रुपीस, और मुझे तो मुकेश वाले भी बहुत ही डिफरेंट बहुत अच्छे लगे. एंड क्योंकि अब हम फेस्टिव सीजन की तरफ जा रहे हैं, शादियों वाला सीजन है, तो शादियों वाले सीजन में ये वाले सूट बहुत अच्छे लग सकते हैं. अगर आपने किसी निकाह पे पहनना है, या आपने कोई घर के माइयों पे ढोलक पे पहनना है, इसमें कलर्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं. सो यस, ये मुकेश वाले ड्रेसेस तो हम फेस्टिव सीजन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड देन इनके पास ये तारकशी वाले प्लेन्स भी अवेलेबल थे, जो कि किसी भी कलर में डाई हो सकते हैं. और मुझे ये कॉटन वाली शर्ट्स बहुत अच्छी लगी. इसमें तारकशी भी थी, इसमें साथ ही साथ उन्होंने पैचवर्क भी किया हुआ था, और साथ ही एम्ब्रॉयडरी भी की हुई थी. और ये सिंगल शर्ट जो थी वो अवेलेबल थी 4500 रुपीस में. कलर्स भी इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट कलर्स पड़े हुए थे. एंड देन इनके पास ये मोतियों वाला और गोटे वाला भी कॉटन में अवेलेबल था. मुझे इस पर थोड़ा सा लगा कि शायद ये इस्त्री करना मुश्किल होगा, बट अगर आप लेना चाहते हैं तो 7500 में ये भी अवेलेबल थे. एंड दे हैव दिस ह्यूज वैरायटी ऑफ शॉल्स एज वेल.
वैसे तो शॉल्स मैंने मेन मार्केट में भी देखी हैं, जो कि मैं आपको अभी आगे दिखाती हूँ. दे वर प्योर एंड दे वर रियली एक्सपेंसिव. सो अगर इनएक्सपेंसिव शॉल्स आपने लेनी है तो फिर आप दुपट्टा गली जाइए, यहाँ पे आपको इनएक्सपेंसिव शॉल्स मिल जाएंगी. एनीवेज, अब मैं खुसा महल वाली शॉप के पास आ चुकी हूँ और खुसा महल के बिल्कुल साथ स्टॉल्स पर ये एक नई वैरायटी खद्दर में अवेलेबल थी और आप देख सकते हैं कि इसमें एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी. बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही प्यारे प्यारे एम्ब्रॉयडरी के प्रिंट्स थे और ये 2500 में सूट अवेलेबल था. साथ ही इनके पास सिल्क के भी ये बहुत ही प्यारे टू पीस ड्रेसेस थे. ये आप टू पीस में भी ले सकते हैं, थ्री पीस में भी ले सकते हैं. 4000 से इनकी प्राइसेस शुरू हो रही थी. एंड देन ये मरीना वाले ड्रेसेस जो कि हमने पहले भी बहुत सारी मार्केट्स में देखे हैं, लाहौर सेंटर में भी देखे थे, यहाँ पर ये इसको 4500 रुपीज़ में दे रहे थे. उन मार्केट्स में ये कम रेट्स में पड़े हुए हैं. सो अगर सिल्क लेना चाहते हैं तो वो वैरायटी आप यहाँ से ले सकते हैं, उसके रेट्स ऑलमोस्ट सेम है. बट यस, सिर्फ दो शॉप्स पे यहाँ पे मरीना और लिनन अवेलेबल थी, बाकी तो हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ फैंसी फैब्रिक जो कि फेस्टिव था वो मिल रहा था. तो ये जो मरीना और लिनन के यहाँ पे सूट थे ये आम मार्केट से काफ़ी ज़्यादा रेट में मिल रहे थे. आम मार्केट में अगर ये 1500 और 1800 में लिनन मिल रही थी तो लिबर्टी में ये आपको 2500 का सूट बता रहे थे. लिनन और मरीना की ये दूसरी शॉप खुसा महल के साथ बिल्कुल अंदर गलियों में थी. यहाँ पे ये धनक मरीना का सूट भी 2500 का बता रहे थे, ये जो मरीना था ये 2000 का बता रहे थे, और जो ये लिनन का सूट था ये भी 2000 का बता रहे थे, जो कि आम मार्केट से बहुत ज़्यादा रेट्स हैं, क्योंकि यही वाला लिनन का सूट हम 1500 रुपये में भी देख चुके हैं पिछली मार्केट्स में. और अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि आपने कहाँ से जाके सस्ती वाली शॉपिंग करनी है. बट येस, लिबर्टी हैज़ सम वेरी वेरी ब्यूटिफुल काम वाले जोड़े जो कि फेस्टिव सीजन के लिए बहुत शानदार हैं. एंड देन दीज शॉल्स, ये प्योर की शॉल्स थी, 10000 में ये शॉल यहाँ पर अवेलेबल थी. देन ये वूल की 7500 में मुख्तलिफ शॉल्स के प्राइसेस थे. और अगर हम इनकी डिफरेंट प्राइस रेट्स जानने की कोशिश क्योंकि मैंने की तो मैं आपको बताती चलूँ कि दिस वन इज़ ऑफ 11500, दिस वन जो इससे अगली है ये वाली जो शॉल है ये जनाब 10500 रुपए की थी. और क्योंकि ये प्योर की शॉल्स हैं तो डेफिनेटली इनकी प्राइसेस भी बहुत ही स्काई रॉकेटिंग थी. शॉल्स के लिए मैंने 3 से 4 डिफरेंट शॉप्स को विजिट किया और वहाँ पर तकरीबन सबकी ही प्राइसेस बहुत हाई थी. सो जो पहला स्टॉल है उस मार्केट में वो सबसे कम आपको प्राइसेस दे रहे हैं. ये तमाम लोग 15000, 16000, 13000 आपको प्राइसेस बता रहे थे. एंड देन दिस वन, ये कलमकार की जो शॉल थी 40000 रुपीस की थी. नो डाउट इट्स ब्यूटिफुल, पर इतने पैसे कौन खर्च करे सिर्फ 2 महीने के सीजन के लिए. बट यस, पीपल डू दिस. और अगर आप भी लेना चाहते हैं तो जस्ट गो टू लिबर्टी मार्केट एंड यस, दे हैव सम वेरी क्यूट फैंसी फेस्टिव सीजन के लिए दीज चप्पल्स विच आई ट्राइड. लेकिन मैंने सोचा कि ये अभी फिलहाल मैं बिल्कुल नहीं ले रही और कुछ आगे जाते हैं जहाँ पर ये कुछ लंडे का माल भी हमें नज़र आया. सो लिबर्टी में ये एक शॉप पे बहुत ज़्यादा लंडे की चीज़ें भी अवेलेबल थी, जिसमें शर्ट्स थी, स्वेटर्स थे. लेकिन अभी तक कोट्स यहाँ पर इस मार्केट में नहीं आए हैं, जो कि मैंने सोचा था कि मैंने ज़रूर ढूंढने हैं कि कहाँ पर हमें अच्छी क्वालिटी के कोट्स एंड ब्लेजर्स नज़र आए, जो कि हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत ट्रेंड में, बहुत फैशन में भी हैं. All of these shirts and sweaters are of 700, 500, 800, few are above 1000. So, मेरा नहीं ख्याल कि इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि इनको विजिट किया जाए. I just went there, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए. बहुत बुरी क्वालिटी की अभी चीज़ें मार्केट में आई हैं. अभी तक वो अच्छी क्वालिटी वाले जो एक्सपेंसिव कोट्स हैं वो अभी तक हमें इस मार्केट में कहीं नज़र नहीं आया. यूजुअली हमेशा से आते होते हैं. और क्योंकि मैंने सैफायर पे देखे थे, मैंने बहुत सारे अदर मार्केट्स में देखे थे, सो आई विल कीप सर्चिंग फॉर देम. लेकिन आपने मेरे साथ मेरी तमाम वीडियोस को देखते रहना है और इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है. पुरानी वीडियोस भी ज़रूर देखें. नेक्स्ट वीडियो के लिए किसी और मार्केट का विजिट करेंगे. टिल देन, बाय बाय.